नमस्कार साथियों, आज है माता का छठवां दिन यानी कात्यानी माता का दिन और आज जो है वो आज्ञा चक्र में ध्यान केंद्रित रहता है। आज्ञा चक्र यहाँ पर ध्यान केंद्रित रहता है और आज है माता का छठवां दिन। माता के अनेक रूपों में से आज का दिन माता कात्यानी के रूप में पूजा जाता है और आज मिले हमें ग्राम इटाल खापा के बुजुर्ग शेर सिंह मेहरा जी। उनके साथ हमने संपूर्ण कथा के बारे में जाना। आप वीडियो को आखिरी तक देखें। जयराम जी की दद्दा जी, तेज ही बोलो थोड़े। जयराम जी की दद्दा। हाँ हाँ हाँ। आपका शुभ नाम? शेर सिंह। बहुत पुराने जमाने के? जी हाँ जी। और जस चल रहे हैं अब गांव गांव में? जस चल रहे हैं? हाँ जी, गांव गांव में चल रहा है जस। एक आध कोई पुरानो जस सुना दो। अब नहीं आवे जी। बोल के ही सुना दो, गा के मत सुनाओ। मैसा स्वर। हाँ। प्रगट भाए। हाँ। एक राक्षस थो महिषासुर, तेने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वरदान मांग कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए बलवान, कही तताश तू ऐसा ही होएगा, तू घर चलो जा। घर जा रहा तू रास्ता में पहल है स्त्री वर्ग जो चीज मिल जाए, पशु स्त्री उससे प्रेम कर लेना, उसे पुत्र हो जा। रास्ता मारा तो पहले एक अच्छी मतियल भैंस मिली भाई, और राक्षस तो है थोड़ी, माने भैंसा को रूप धरो और बासा प्रेम करो, समागम कर लो। हाँ। इतने में एक दूसरो भैंसा आन के बास लड़ गो। अच्छा, उन्हें बाय मार डारो बहु गई गर्भवती, राक्षसों ने चिता बना के और वह अग्नि संस्कार कर रहे थे। इतने में भैंस ने विचार करो कि जो मेरे पति है भगत भगत आने के, और वो चिता में कूद गई, भैंस जल गई, महिषासुर प्रकट हो गया बेमा। पर महिषासुर ने तपस्या करी ब्रह्मा जी की, कहीं वरदान कहीं मैं कोई से न मरू, अमर हूँ। ब्रह्मा जी बोले अमर तो हो नहीं सके, अमर तो हम ही नहीं, हम ही मरा थे। तो कहीं तेरी मृत्यु कोई से नहीं, स्त्री से होगी, नारी से। वो हसो कही ब्रह्मा जी तो सटे आ गो, कही मेरी मृत्यु और स्त्री से? हाँ, कहीं ऐसा ही होगा। सब देवताओं के समय प्रकट भाई, और मैं ऐसा अवसर का मुंह से शादी कर। देवी बोली कि हमारी परंपरा है, जे कोई हमसे युद्ध में जीते वही वरण करेंगे। और क्या कह रही देवी, एक गणे भेजो, कही तो देतराज बुला रहा है, चल देवी से कही, कहते देतराज है रंगा जाइए, का कह रहा है कि ऐसी ऐसी कह रहा है, कहीं मुझसे युद्ध करे, युद्ध में जीत जाए तो मैं बाकी रानी बन जी हूँ। बोल लगो भाई सग्राम, सग्राम हो गो देवी ने खत्म कर दो। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं कह रहा हूँ भले ही आवाज काम न करे, थोड़े थोड़े जस वैसे ऐसे बिल्कुल बोल भी इस टाइम बन जाए तो ठीक है। चुटकले ही सुना दो, दो दो चार चार लाइन के, मैं कान में लगा लो, तुम्हारी आवाज स्पष्ट है, बस तुम्हारी आवाज वहां से पकड़ ले। हाँ, बस लग गो, बस छुआ लग, बस चलो गो, बस नहीं कह रहे तुम तो, जैस हो जाओ, वो नहीं कह रहे।
वहाँ मैया शंकर तारी खोलियो माँ, वहाँ मैया शंकर तारी खोलियो माँ। चिकले पाट की कुइया रे अलबेली पनार, समर समर पग धरियो ए चिकनी है पाट, शंकर तारी खोलियो हो माँ। नहीं माना भैया जी, और बे पुराने जसों की धुन, बे गढ़ पर्वत पैरे, गढ़ पर्वत पैरे मारा भाई वो तेरो रे देव, सदा शिव तेरो रे देव, अंग तो लगा लई रे रमा लई हो मा। नहीं है भैया जी, नहीं बना। अच्छा एक बात बताओ, मैया को आज छठमो दिन है, कछु इन दिनों से भी जोड़ो है मैया को? है जी। आज छठमो दिन है मैया को? हाँ छठमो। तो आज की कछु विशेष महिमा है आज के दिन की? देखो पता नहीं भैया, नहीं पता, पता नहीं। आज मैया कात्यानी को दिन है, मैया कात्यानी को? आज कात्यानी को है। अच्छा। आज छठमो दिन जी कात्यानी मैया को दिन है। अच्छा। अब आग बारे में तुम्हें बताऊं, आज है मैया का छठवां दिन, कात्यानी माता का दिन है। ऋषि कात्यान ने मैया की प्रार्थना करी। अच्छा। और प्रार्थना करी कि तुम मेरे घर लड़की के रूप में जन्म लो। अच्छा। यानी जब जब महिषासुर को वध करवे काजे, देवताओं को क्रोध से सब देवताओं ने अपनो अपनो अंश दो, और तब मैया प्रकट भई है। तो ऋषि, हाँ तो ऋषि कात्यानी ने प्रार्थना करी तो मैया कात्यानी को रूप आओ। और जो कात्यानी मैया है जा शोध कार्य की जननी है। शोध कार्य की मतलब विज्ञान, जितो जो विज्ञान दिखा रहा हो, जो गाड़ी दिखा रही है विज्ञान, जो चमत्कार जितने दिखा रहे हैं वो मैया कात्यानी के हैं। कात्यानी के वैज्ञानिक शोध कार्य के रूप में पूजी जाती है मैया। अच्छा। और कात्यानी मैया को आज ध्यान जहाँ आज्ञा चक्र में होते जी जहाँ, मतलब पहले दिन होता मूलाधार चक्र में, जहाँ से शुरू होता है मूलाधार चक्र में, मैंने शैलपुत्री को, फिर जहाँ आजाद ब्रह्मचारिणी को, फिर मणिपुर चक्र में, अनाहत चक्र में है ना, स्वाधिष्ठान चक्र में, आज मैया को ध्यान झा होता है आज्ञा चक्र में कात्यानी मैया को। और जो कात्यानी मैया है, जब मैया की प्रार्थना ब्रज की गोपियों ने करी थी जाकी, जाके मारे के भगवान श्री कृष्ण के हे पति के रूप में वरण हमरो हो जाए, ऐसी प्रार्थना मैया कात्यानी की ब्रज की गोपियों ने करी। तो जो कात्यानी मैया है, जो पूरे ब्रज क्षेत्र की अधिष्ठात्री है, पूरे ब्रज क्षेत्र की मैया है, यानी भगवान कृष्ण की जो कुल देवी है, आज की जो देवी कात्यानी देवी है जी, भगवान कृष्ण की कुल देवी है जी कात्यानी मैया। तो कात्यानी मैया को शक्ति पीठ भी है, वो कहा वृंदावन में, कभी वृंदावन में गए हो? गए हो, वहाँ पे कात्यानी शक्ति पीठ है, कभी तुमने बाग दर्शन करे हो तो कात्यानी शक्ति पीठ गए, मुद्की दान गए। तो आज जो मैया को ध्यान है, जैसे रोग है, संताप है, जितने भी दुख दलिद्र है वे सब दूर हो आज के दिन। आज विशेष दिन है कात्यानी मैया को। और कल को तो फिर तुम पता, कल तो सप्तमी है, काल रात्रि है, कल गधा पे बैठी मैया। आज को श्रृंगार बता दूं, आज मैया शेर पे बैठी है। अच्छा। चार मैया के हाथ हैं। अच्छा। दाहिने हाथ में ऊपर को हाथ है, उनको जो है वो आशीर्वाद की मुद्रा में है जी। एक जो है मतलब एक में वरदान दे रही है। अच्छा। और एक में आशीर्वाद दे रही है, एक हाथ तन में कमल को फूल धरो है, और एक हाथ में उनके वो है मतलब अस्त्र है, तलवार रखी है, हाँ खड़ग धरी है, और कमल को फूल है। तो आज ये चार हाथ है मैया के, वो शेर पे सवार है आज की मैया कात्यानी देवी। और आप इन सब इन लोगों को जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत ही पुराने बुजुर्ग हैं, और इनकी स्मृति इस वीडियो के माध्यम से बनी रहे, इसलिए वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो दादाजी जय मैया की। एक प्रकार से नहीं सुना वो अच्छो भी है। हाँ अच्छो भी है।
कोई गाली भी दे दे भाई सुनाई नहीं, सुनाई नहीं, गाली बक दई तो मोड़ा बहू कछु करे सुनाई, बहू कछु कह रही तो पता नहीं, मोड़ा कछु कह रो तो पता नहीं, सुनानी नहीं, सुनानी नहीं तो कोई गुस्सा ही नहीं है कि नहीं। अच्छा है भगवान जो कछु करत, भगवान फिराज भैया जी बोले जल्दी चले गए। अब तो जितनी देखी आयु हो, आयु है तो बाबूजी तुमसे छोटे थे थोड़ी बहुत छोटी, समय है वो तो जिसकी जितनी लिख देगी है ना।